हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके इस नए सेशन में जो कि साइंस का रहने वाला है और जो कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा सुपर टेट और केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस का जो एग्जाम आपका होने वाला है उसमें आपको साइंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करने वाली है। तो साइंस में को आप इग्नोर करके ना जाने, साइंस में आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो आज जो साइंस की संपूर्ण तैयारी की जो सीरीज चल रही थी उसमें साइंस के अंतर्गत हमने आपको परिसंचरण तंत्र बता दिया था और आज का जो आपका टॉपिक है वो उत्सर्जन यानी एक्सर्शन सिस्टम आपको पढ़ना है। तो एक्सर्शन सिस्टम के बारे में आप सबसे पहले तो आप बताइए जानते क्या है। सबसे पहले तो बात करते हैं अपने चैप्टर्स में, सबसे पहले हम पढ़ना है उत्सर्जन। उत्सर्जन कहलाता क्या है? उत्सर्जन जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि उत्सर्जन का अर्थ होता है किसी भी चीज को उत्सर्जित करना यानी बाहर निकालना यानी निकाल के फेंकना। तो हमारा जो शरीर है, मानव शरीर है, कोई भी जीव जंतु है, तो इनमें जिस शरीर में जो भोज्य पदार्थ ये क्या कंज्यूम करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो इनसे जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो शरीर को आवश्यकता होती है वो क्या करते हैं, शरीर के जो अंग होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जो बचा हुआ अवशिष्ट भाग होता है, जो हमारा वेस्ट पार्ट्स होता है, वो हमारे शरीर में कुछ एक्सर्शन सिस्टम के द्वारा क्या हो जाते हैं, एक्सर्ट कर दिए जाते हैं यानी उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। तो वही पूरा सिस्टम है, वही पूरा ये जो सिस्टम जो काम करता है उसी पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है, उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सर्शन सिस्टम कहा जाता है। तो बात करते हैं उत्सर्जन की। उत्सर्जन यानी मानव शरीर या किसी भी जीव में जो जीव के शरीर में जो क्या है उपस्थित अवशिष्ट जो पदार्थ है, जो वेस्ट पदार्थ है, उसका उत्सर्जन, उसको शरीर से क्या करना, बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। और ये जो काम जो ये उत्सर्जन जितने अंग मिलकर करते हैं, इन सब के अंग को मिलाकर एक तंत्र बन जाता है, पूरा सिस्टम बन जाता है, उनको कहा जाता है उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन एक्सर्जन सिस्टम। और जो अंग मिलकर ये वर्क करते हैं, ये काम करते हैं, उनको कहा जाता है उत्सर्जी अंग। बात करते हैं उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। अब उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीवों को क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, कितने भागों में किया गया है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। पहला है आपका अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक क्या है, जो कि ऐसे जीव जो कि अमोनिया का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, जैसे कि मछलियां हो गई और समुद्री उभयचर जो हो गए, ओके, इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आता है आपका यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक मतलब जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, और यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है, मानव। इसके बाद जो मानव होता है वो इस यूरियोटेलिक श्रेणी में आता है। तीसरा आपका जो वर्गीकरण किया गया है वो है यूरिकोटेलिक, जिसमें यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किया जाता है, और ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन करता है, पक्षी और कीट, यानी जो पक्षी होते हैं और जो कीट होते हैं यानी कीड़े मकोड़े होते हैं वो इसका उत्सर्जन करते हैं, किसका, यूरिक अम्ल का। इसलिए इनको क्या कहा गया है, यूरिकोटेलिक कहा गया है। और जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उनको यूरियोटेलिक कहा गया है, और जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनको अमोनोटेलिक कहा गया है। तो आई होप समझ आया होगा। अब बात हमें करनी है मानव के पाचन तंत्र की, क्योंकि जो आपका जो सुपर टेट एग्जाम है इसमें आपका जो मानव का पाचन तंत्र उसको क्या किया गया, मेंशन किया गया है, मानव का पाचन तंत्र नहीं सॉरी उत्सर्जन तंत्र। तो मानव के उत्सर्जी तंत्र के बारे में बात करते हैं। मानव का उत्सर्जी तंत्र क्या होता है, मानव के प्रमुख उत्सर्जी तंत्र निम्न होते हैं, जैसे कि ब्रक को हम इंग्लिश में कहते हैं किडनी। तो मानव के शरीर में दो किडनियां पाई जाती हैं, एक ये लेफ्ट होती है, एक ये राइट होती है। दूसरा होता है मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी को कहा जाता है यूरेटर। यूरेटर की संख्या में कितनी होती है, दो होती है, मूत्राशय एक पाया, यानी मूत्राशय की संख्या एक होती है और मूत्रमार्ग जो होता है उसकी संख्या एक होती है। तो ये आपके हो गए 2 और 2 4। अब बाकी दो चीजें बची, तो ये आपका त्वचा और ये आपके क्या होते हैं, जो रोम चित्र होते हैं, ये क्या करते हैं, उत्सर्जन का काम करते हैं। तो ये हमारे क्या है, मानव के उत्सर्जन तंत्र है। अब बात करते हैं किडनी के बारे में, ब्रक के बारे में। ब्रक ब्रक के काम क्या होते हैं, किडनी के काम क्या है, किडनी के काम है परिनिश्चंदन करना यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना। क्या करना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना, किस चीज का, यानी आप यूरिया का फिल्ट्रेशन करना, जो आपके बॉडीज में आपके जो आपके ब्लड में जो क्या है
वो अनडिसॉल्व यानी जो अनडिसॉल्व ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी जो उसको बोला जाता है अपशिष्ट, वेस्टेज कहा जाता है। तो वो जो रक्त में मिश्रित है उनको क्या करना, परिनिष्ठेंदन करना यानी उनका फिल्ट्रेशन करना, ये किसका काम होता है, ब्लड का काम होता है। इसके बाद जब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाता है तो फिर से उसका क्या करना है, पुनरावशोषण, पुनरावशोषण के फिर से उसमें जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो पोषक तत्व रहते हैं, उनका एक बार पुनः क्या करना, अवशोषण करना, पुनरावशोषण कहलाता है। इसको कहा जाता है रीएब्जॉर्प्शन। तो ये किसके काम होते हैं, किडनी के काम होते हैं, यानी किडनी को हम हिंदी में वृक्क कहते हैं। तो वृक्क के ये दो मुख्य कार्य होते हैं। ये रहा आपका स्ट्रक्चर मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र का, उत्सर्जी यानी किडनी का। ये आपको केवल किडनी के बारे में बता रहा है कि किडनी किस तरीके से आपके जो ब्लड होता है, आपके ब्लड में से यूरिन, यूरिया जो होती है उसको क्या करता है, अलग करता है, उसको एक्सर्ट करता है। बात करते हैं ब्रक, ब्रक किससे बना होता है, ब्रक जो होता है वो छोटी छोटी क्या होता है, कोशिकाओं से मिलकर बनाता है, जिसको कहते हैं नेफ्रॉन। इसको क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। तो मनुष्य के ब्रक में कम से कम मिनिमम 20 लाख जो होती है वो नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं। अब बात करते हैं नेफ्रॉन, नेफ्रॉन किस किस से मिलकर बनता है। तो नेफ्रॉन जो होता है वो ब्रक कणिका है, वृक्क कणिकाएं और नलिकाओं से मिलकर क्या होता है, बनता है। जो वृक्क कणिकाएं होती हैं उनका काम क्या होता है, परिनिष्ठेंदन करना, और जो नलिकाएं होती हैं उनका काम क्या होता है, पुनः पुनरावशोषण करना, यानी पुनः एक उत्पाद फिर से क्या करना, अवशोषण करना। अब वृक्क कणिकाएं क्या क्या कहलाती है, तो ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस है और ये आपका वुमेन्स कैप्सूल है, वुमेन्स कैप्सूल ये क्या कहलाती है, आपकी वृक्क कणिकाएं कहलाती है, जिनका पूरी क्रियाविधि पूरा प्रोसेस आप आगे समझोगे। और दूसरा होता है नलिकाएं, नलिकाओं में जिसको ट्यूबुल्स कहा जाता है, ट्यूबुल्स, ट्यूबुल्स कहा जाता है, ये क्या होती है, तीन प्रकार की होती है, कौन कौन सा, डीसीटी, डीसीटी यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका, और FOH यानी लूप ऑफ हेनले, और एक होता है PCT यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये क्या कहलाती है, नलिकाएं, जिसको ट्यूबुल्स कहा जाता है, और ये किसके पार्ट है, नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं। और दूसरा क्या होता है, वृक्क कणिकाएं, जिनका काम होता है परिनिष्ठेंदन करना, जिनका कौन कौन करता है, ग्लोमेरुलस करता है, और वुमेन्स कैप्सूल के द्वारा होता है। बात करते हैं मूत्र निर्माण की, मूत्र निर्माण यानी मूत्र का निर्माण होना, यानी उत्सर्जन की क्रियाविधि होना, यानी प्रोसेस होना, कि किस तरीके से, किस प्रोसेस से आपका क्या करना है, उत्सर्जन करना है। तो उत्सर्जन क्रियाविधि को क्या करते हैं, संक्षेप में समझते हैं। अब जो उत्सर्जन का जो आपका क्रियाविधि होती है, ये दो भागों में बांटी जाती है, दो भागों में क्या होती है, कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है। पहला क्या होता है, पहला इसका रासायनिक भाग हो जाता है, दूसरा इसका यांत्रिक भाग हो जाता है। रासायनिक मतलब क्या क्या केमिकल्स एब्जॉर्ब किए गए हैं, किन केमिकल्स को इसको एक्सर्ट करना है, कहाँ कहाँ से एक्सर्ट करना है, किस तरीके से जो यूरिया होता है वो बनता है, अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है। और यांत्रिक भाग मतलब, यांत्रिक भाग का मतलब जो इसका निर्माण होता जाता है, तो उसको किस नली के द्वारा कहाँ पे पहुंचाना है, उसके बाद उसको क्या करना है, एक्सर्ट करना है, ये होता है पूरा यांत्रिक भाग। तो इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा संक्षेप में समझना है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब बात करते हैं मूत्र निर्माण जो है वो दो भागों में होता है, एक होता है रासायनिक भाग, दूसरा होता है यांत्रिक भाग। रासायनिक भाग जो जो कंप्लीट होता है, ये जो प्रोसेस होती है, ये कहाँ पे कंप्लीट होती है, यकृत में कंप्लीट होती है, यानी लीवर में कंप्लीट होती है, कहाँ पर, लीवर यानी यकृत में। दूसरा इसका जो यांत्रिक भाग, इसका जो कंप्लीट होता है, वो कहाँ पर, किडनी यानी वृक्क में कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं, अब यकृत में क्या होता है, तो यकृत में यूरिया का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, यूरिया का, कहाँ पर होता है, यकृत में। तो याद रखना है कि यकृत में किसका निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण होता है, जो कि रासायनिक भाग है किसका, एक्सर्जन सिस्टम का। दूसरा यांत्रिक भाग जो है वो आपका इसमें मूत्र यूरिन का निर्माण होता है, मतलब यूरिया, फिर यूरिया से जितने और क्या है, एसिड है जो हमारे शरीर को लाभदायक है, वो क्या कर लेते हैं, फिर से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, फिर जो चीज बची रहती है उसको क्या कहा जाता है, यूरिन कहा जाता है। तो अब यूरिया का निर्माण कैसे होता है, यूरिया का जो निर्माण होता है उस प्रोसेस का नाम है अमोनीकरण। क्या नाम है उस प्रोसेस का, अमोनीकरण। इस प्रोसेस के द्वारा यूरिया का क्या होता है, निर्माण होता है। कैसे होता है, जैसे आपने आपके भोजन में या कोई आपने भोज्य पदार्थ एब्जॉर्ब किया, आपने ग्रहण किया, उसमें जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन किसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, एमिनो एसिड में ब्रेक हो जाते हैं, NH3 यानी अमोनिया यहाँ से क्या मिल जाता है, अमोनिया यहाँ पे मिल जाता है यहाँ से। अब अमोनिया मिलता है, तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, अमोनीकरण कहा जाता है। और ये किससे मिलकर, ये किससे बनता है, प्रोटीन, यानी आपके शरीर में जो संश्लेषित प्रोटीन है उससे एमिनो एसिड और अमोनिया ये दो पार्ट में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा।
तो अब अमोनिया ब्रेक होगा इसलिए इसको अमोनीकरण कहा गया, और इस प्रोसेस को क्या कहा गया है, यूरिया चक्र कहा जाता है। कौन सा चक्र कहा जाता है, यूरिया चक्र। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए यूरिया चक्र क्या कहलाता है, तो हमारे शरीर में उत्सर्जन प्रोसेस के दौरान, उत्सर्जन क्रिया के दौरान प्रोटीन का अमीनो एसिड और अमोनिया में विखंडित होना क्या कहलाता है, अमोनीकरण कहलाता है। इसी प्रक्रिया को हम यूरिया चक्र तथा क्रेब्स हेंसलेट चक्र कहते हैं। कौन सा चक्र, क्रेब्स हेंसलेट चक्र। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। कौन सा सिस्टम, क्रेब्स हेंसलेट सिस्टम। किस कब होता है, जब अमोनीकरण होता है, कब, एक्सर्सन प्रोसेस में। क्लियर है बात, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो यहाँ से आपको ये अमोनिया प्राप्त हुई, कौन सी अमोनिया, NH3। अब फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होकर क्या बनाएगी, NH2 और CONH2, जिसका आपका केमिकल नेम होता है यूरिया। और इसको इसके बाद यूरिया और वाटर का यहाँ क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहाँ से आपका पूरा अमोनीकरण की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। और इसका जो यांत्रिक भाग है वो कहाँ पे होता है, वृक्क में संबद्ध, यानी किडनी में संपूर्ण होता है। और किडनी का जो काम होता है, यूरिन का निर्माण और परिनिष्क्रियंदन कहलाता है। कि आपका जो यहाँ से जो यूरिया निर्माण हुआ है, इस यूरिया में अभी भी अगर कोई पोषक तत्व तो रहता है, तो जो ट्यूबल्स होती है, यहाँ पर बताई गई थी, ये ट्यूबल्स हमने नलिकाएं बताई थी, ये इसको फिर से एब्जॉर्ब करने का काम करती है। इनमें से जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको फिर से जोगने लगता है कि हाँ ये अभी ये हमारे शरीर को लाभदायक है, ये काम में आ सकती है। तो इसको फिर से क्या कर लेते हैं, रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है पुनरावशोषण, यानी रीएब्जॉर्प्शन। तो पहले क्या होगा, परिनिष्क्रियंदन, उसमें फिल्ट्रेशन, यानी इसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कौन सा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसके बाद होता है आपका पुनरावशोषण, इसको कहा जाता है रीएब्जॉर्प्शन। इसके बाद जो आता है उसको क्या कहा जाता है, जो आपका यूरिन कहा जाता है, यहाँ से आपका जो ये लिक्विड होता है वो आपके यूरिनरी ब्लैडर में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां से आप एक्सर्सन सिस्टम के थ्रू आप उसको क्या कर सकते हो, एग्जिट कर देते हो। तो ये रही पूरी प्रोसेस। अब उस प्रोसेस के बारे में, कैसे यूरिया का अपशिष्ट होना, कैसे आपका जो यूरिया का अवशोषण होता है, पुनरावशोषण होता है, निस्यंदन होता है, इसकी प्रोसेस आपको समझना है। क्या इस डायग्राम में क्या प्रोसेस ऐसी होती है जो आपको क्या लगना है, जो यहाँ से आपका जो ब्लड होता है, ब्लड में जो अनरिजॉल्व्ड यानी इम्प्योरिटीज होती है उनको कैसे फिल्टर करके लास्ट में आपका क्या यूरिन के माध्यम से इसको एग्जिट कर देता है, ये प्रोसेस आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है। जैसा कि आपने देखा था यूरिया अपशिष्ट से युक्त, यूरिया क्या होगा, यूरिया अपशिष्ट से युक्त गंदा रक्त जो आपको ब्लड बोला जाता है, यानी इम्प्योर ब्लड बोला जाता है, तो उसमें क्या मिला जाता है, यूरिया मिला रहता है। यूरिया अपशिष्ट से युक्त गंदा रक्त ग्लोमेरुलस में प्रवेश करता है, किसमें प्रवेश करेगा, ग्लोमेरुलस, जो हमने आपको यहाँ पर वृक्क कणिका बताई थी, ये कणिका कहाँ पाई जाती है, वृक्क में पाई जाती है, यहाँ पर प्रवेश करेगा। यहाँ रक्त क्या होगा, साफ होगा, यानी रक्त का फिल्टर होगा, फिल्ट्रेशन होगा। तो यहाँ पर बताया था इसका काम क्या होता है, परिनिष्क्रियंदन होता है, यानी फिल्ट्रेशन करना होता है। तो यहाँ से क्या होगा, रक्त साफ होगा, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, निष्पंदन कहा जाता है। यानी निष्पंदन भी रक्त, गंदा रक्त यानी यूरिया युक्त रक्त को क्या करना, साफ करना, निष्पंदन कहलाता है, ये याद रख लेना। निष्पंदन के दौरान रक्त में मौजूद, रक्त में क्या क्या मौजूद रहता है, यहाँ पर ग्लूकोज, एमिनो एसिड, जो यहाँ पर ब्रेक हुआ था ये एमिनो एसिड, और कुछ लवण पाए जाते हैं, यूरिया और पानी आदि बोवेंस कैप्सूल से क्या होकर गुजरता है, ये जो आपका सेकंड वृक्क कणिका है, कौन सी, बोवेंस कैप्सूल, यहाँ से होकर क्या होता है, गुजरता है। तो बोवेंस कैप्सूल से होकर क्या होता है, गुजरता है, और फिर नेफ्रॉन की छोटी नली में क्या करता है, प्रवेश करता है। ये जो नेफ्रॉन बताया था हमने, नेफ्रॉन की छोटी नली में क्या करता है, प्रवेश करता है। यहाँ उपयोगी पदार्थ फिर से क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। तो हमने बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, पुनः रीएब्जॉर्प्शन होता है, पुनः जो उपयोगी पदार्थ कुछ अगर रह जाते हैं उनको पुनः क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। नेफ्रॉन की छोटी नली में रह गया तरल यूरिन कहलाता है। अब नेफ्रॉन की छोटी नली में जो बचा रहेगा, यानी रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद जो आपका लिक्विड बचा रहेगा वो क्या कहलाएगा, यूरिन यानी मूत्र कहलाएगा। और नेफ्रॉन इस यूरिन को वृक्क की संक्रमण नलिका में क्या करने देता है, कलेक्ट कर लेता है। और ये कलेक्ट करते करते ये जो संक्रमण नलिकाएं होती हैं ये कहाँ ले जाती हैं, मूत्र नली से होकर कहाँ, मूत्राशय में इसको कलेक्ट कर देती है, तथा मूत्र मार्ग से होकर इसको क्या कर दिया जाता है, एक्सर्ट कर दिया जाता है। तो ये रहा पूरा एक्सर्टन सिस्टम।
किसका? यूरिन का, यानी आप किस तरीके से यूरिन का उत्सर्जन करते हो, तो ये आपके सिलेबस में मेंशन था। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को, आपको कमेंट में जरूर बताना है। और इसके बाद आपको बताना है क्या आपको क्लास में कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगा समझ ना आया हो, तो उसको आप कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह जैसे संपूर्ण तैयारी की सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं, वैसे ही आपको संपूर्ण तैयारी अपने साथ में लेकर चलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप रखिए अपना ख्याल, हमें दीजिए अनुमति, जय हिंद।